मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया। रूस में बनी ये राइफल इतनी खतरनाक है कि एक मिनट में इससे 600 राउंड फायरिंग की जा सकती है। AK-47 से भी ज्यादा घातक है AN-94। पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाला के कातिलों की तलाश में जुटी हुई है। मूसेवाला पर जहां हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, वहां से AN-94 राइफल के कई खोखे मिले हैं। रूस में बनी यह असॉल्ट राइफल AK-47 से भी ज्यादा घातक है। महज चंद सेकंड्स में यह राइफल सैकड़ों गोलियां दाग सकती है। 90 के दशक में तैयार हुआ डिजाइन। AN-94 राइफल को रूस ने AK-47 राइफल से रिप्लेस किया था, हालांकि अभी यह कम इस्तेमाल होती है। AN का मतलब एवतोमैथ निकोनोव है। 80 के दशक से 90 के दशक के शुरुआती सालों के बीच इसको डिजाइन किया गया। AN-94 से दो गोलियां निकलती हैं एक साथ। AN-94 के मुख्य डिजाइनर गेनाडी निकोनोव हैं, जिन्होंने निकोनोव मशीन गन बनाई। इन्हें के नाम पर इस गन का नाम पड़ा। रूस में साल 1997 से इस असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हो रहा है। इस राइफल की खास बात यह है कि बर्स्ट फायर करते वक्त इससे दो गोलियां एक साथ निकलती हैं। इन गोलियों के निकलने के बीच चंद माइक्रोसेकंड्स का अंतर होता है। इसी वजह से सामने वाले को एक साथ दो गोलियां लगती हैं। हर मिनट 600 राउंड बर्स्ट फायर। पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में इस रूसी राइफल से हर मिनट 900 प्रति सेकंड की रफ्तार से 600 राउंड गोलियां निकलती हैं। 700 मीटर फायरिंग रेंज वाली इस AN-94 से बर्स्ट मोड में 1800 गोलियां दागी जा सकती हैं। AN-94 का डिजाइन काफी जटिल। AN-94 को AK-47 की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका डिजाइन काफी जटिल है। इस राइफल में 30 से 45 राउंड की बॉक्स मैगजीन लगती है, साथ ही 60 राउंड की कैस्केड मैगजीन का भी इस्तेमाल होता है। हालांकि आर्म फोर्सेस के बीच यह AK-47 जैसी जगह नहीं ले पाई। अभी रूस में इसका इस्तेमाल गृह मंत्रालय में आने वाले सैन्य बल, आर्मी और पुलिस कर रही हैं। मूसेवाला पर 30 से 40 फायर। मानसा पुलिस ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला शाम को दो साथियों के साथ अपनी थार गाड़ी से दोस्तों से मिलने के लिए निकले थे। मूसेवाला खुद गाड़ी चला रहे थे। एक दोस्त फ्रंट सीट पर और दूसरा पिछली सीट पर बैठा हुआ था। घर से कुछ दूर ही काले रंग की गाड़ी में सवार हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। करीब 30 से 40 फायर किए गए। इस घटना के बाद हमलावर तुरंत वहां से फरार हो गए। मूसेवाला को 6 गोलियां लगी। दोस्त भी घायल हुए। मौके पर पहुंचे गांव वालों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने सिद्धू मूसेवाला को मृत घोषित कर दिया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।